दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी सीटेट दिसंबर 2022 का एग्जाम दिए हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए। और दोस्तों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं यहाँ पे बता दूँ दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी हैं सीटेट का एग्ज़ाम दिए हैं, जो उनके जो मार्क्स आ रहे हैं, जैसे जनरल वालों के 89, 90, 91, जैसे बॉर्डर के आसपास हैं, और ओबीसी एससी एसटी की बात करें तो 81, 82, 83 इस तरह के, तो इन लोगों के मन में जो है डर बना हुआ है कि क्या हम लोग का, जैसे जो 89 वाले हैं 90 वाले हैं, उनके अंदर ये डर है कि कहीं हम लोग का नंबर 89 वाले हैं तो क्या हम लोग का एक नंबर बढ़ सकता है। मान लो 90 वाले हैं तो वो भी सोच रहे हैं क्या हम लोग का एक नंबर बढ़ सकता है या फिर कहीं एक नंबर माइनस ना हो जाए। अब जैसे 91 वाले हैं वो सोचेंगे कि हमारा 91 आ रहा है, अभी एक दो नंबर अगर माइनस हो जाता है तो हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे जो डर है दोस्तों, मैं अभी आपको इन सब के बारे में डिटेल में बताती हूँ। उसी तरह वही हाल ओबीसी एससी एसटी वालों का है। तो दोस्तों देखिए, ये सीटेट की क्वालिटी कहे या जो भी कहे, जैसे हर साल जो है वहाँ सीटेट जो है एक से दो नंबर बढ़ाता ही बढ़ाता है। अगर हम पिछली बार की बात करें तो जब आंसर की आई थी उसके बाद से रिवाइज्ड आंसर की आती है तो उसमें एक या दो नंबर का जैसे प्लस आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने आंसर की से अपने क्वेश्चन को सही से मैच किया है तो कोई बात नहीं है दोस्तों। अगर आपने अच्छे से मैच किया, जैसे कुछ क्वेश्चन पे 9 लिख कर आ रहा था, अगर आपने उसे छोड़ दिया है, अगर आपने उसको काउंट किया होगा तो ये आपकी गलती है। अगर नहीं काउंट किए हैं जो भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप अगर उसे काउंट नहीं किए हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आप उसे भी काउंट कर रहे हैं तब फिर आपसे गलतियाँ होंगी। तो आपका जो सेफ स्कोर है ना, सिर्फ आप उसे काउंट करिए, उसके बाद से जो भी है, जैसे 9 लिख कर आ रहा है या फिर 1, 2 लिख कर के आ रहा है, तो वो सारे क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जितने भी मार्क्स आ रहे होंगे, इतना मान के चलिए आपका 2 से 3, 3 से 4 नंबर बढ़ना ही बढ़ना है। क्योंकि अगली बार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपकी जो आंसर की आई उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की में एक या दो नंबर सबका बढ़ा, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट दोस्तों, रिजल्ट आने के बाद जब रिजल्ट फिर से अपडेट किया गया था, उसमें हर स्टूडेंट हर अभ्यर्थी का नंबर जो है एक या दो नंबर बढ़ाया गया था। लेकिन लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट आया था उसमें बढ़ाया गया था, लेकिन उस टाइम जो है सीबीएसई बोर्ड द्वारा सीटेट द्वारा उसके लिए कोई सॉलिड रीज़न नहीं बताया गया कि क्यों सारे अभ्यर्थियों का नंबर जो है एक नंबर या दो नंबर प्लस क्यों किया गया। तो दोस्तों, मान करके पूरा का पूरा चलिए कि जो आपका, जैसा कि आंसर की में आप लोगों ने देखा होगा 9 लिख कर आ रहा है, कुछ क्वेश्चन पे 1, 2 लिख करके आ रहा है, तो उस पर तो आपका प्लस नंबर होगा ही होगा। और जिनका ऐसा कुछ नहीं है तो वो जब रिजल्ट आता है ना दोस्तों, तब भी सीटेट जो है रिजल्ट को अपडेट करता है और एक या दो नंबर सबका कॉमन मिल जाता है। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी ना घबराइए। जिनका 89, 90 है, 91 है, वो लोग बिल्कुल भी ना घबराएं दोस्तों। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो कमेंट कर रहे थे कि मैम क्या, जैसे कुछ बच्चों का है ओबीसी से है तो 85 या 86 है, जनरल से है 94, 95 है, तो उनका कहना है कि क्या मैम हम लोग का नंबर कहीं माइनस तो नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आपका माइनस होता भी है तो 90 जब क्वालिफाई है, अगर आप 94, 95 पर हैं, अगर आपका माइनस भी होता है तो कितना माइनस होगा दोस्तों। अगर माइनस होता है तो सिर्फ एक नंबर, वो भी किस वजह से, कि अगर आपने काउंट करने में मिस्टेक किया होगा तब ऐसा हो सकता है। अगर अपने आंसर की से मैच करने में, काउंटिंग में कोई गलती नहीं की होगी तो आपका माइनस तो जाएगा ही नहीं, प्लस ही जाएगा, माइनस नहीं जाएगा। तो इतना मान के चलिए कि आपका स्कोर बढ़ेगा दोस्तों, आप लोग घबराइए नहीं। और जिनका भी 89, 90, 91 है वो लोग ना घबराएं, 90 प्लस वाले तो बिल्कुल भी ना घबराएं, 82 प्लस वाले भी ना घबराएं। हाँ, जो जिनका माइनस है, जैसे 81 वाले हैं, 89 वाले आए हैं, तो इन लोग को भी नहीं घबराना है दोस्तों, आप लोग क्वालिफाई कर लोगे। ना 2 से 3 नंबर दोस्तों देखिए कॉमन नंबर मिलेगा, सबको मिलेगा। और आप लोग को इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आप लोग अपने रिजल्ट में देख लेना। हाँ, रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको फिर दिखेगा, और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा दोस्तों उसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना, जो आपके डिजी लॉकर में आता है, उसमें आप लोग का जो एग्जैक्ट रिजल्ट होगा वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पूरा फुल अपडेट होकर के आता है। तो अब आप लोग को बिल्कुल भी नंबर को लेकर के नहीं घबराना है। जो लोग बॉर्डर हैं, बॉर्डर पर हैं, उन लोग को भी नहीं घबराना है, आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे। और मैं आप सभी के लिए दुआ करूंगी कि जिनका भी ऐसा स्कोर है, मतलब 81, 82 या फिर 89, 90 करके,
आप लोग क्वालिफाई कर जाएं, और करेंगे दोस्तों, श्योर है करेंगे, क्योंकि ये अब तक का सीटेट का जो रिकॉर्ड रहा है वो नंबर प्लस ही करता है, माइनस नहीं करता है। माइनस उनका होता है दोस्तों जो लोग काउंटिंग करने में मिस्टेक किए होंगे, जैसे आंसर किसी मैच करने में मिस्टेक किए होंगे, तो उन लोग का ऐसा हो जाता है। जैसे कुछ नंबर मैंने बताया ना कि जो 9 या 12 लिख करके आ रहा है, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो उसे भी काउंट कर लेते हैं, तो जो लोग उसको छोड़ चुके होंगे, नहीं किए होंगे, या फिर जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपका क्वेश्चन होगा आपने उसको सही किया है, ठीक है, और उसी पे जो बच्चे हैं चैलेंज कर देते हैं, तो अगर आपका वो सही है, आपने उसे सही काउंट किया है, तो अगर मान लीजिए सीटेट द्वारा या सीबीएसई द्वारा उसे गलत कर दिया जाता है, तो वहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन जो है नंबर माइनस हो सकते हैं, बट ऐसा कुछ होगा नहीं, और आपका नंबर जो है टोटल प्लस में ही जाएगा, इतना मान के चलिए। तो दोस्तों ये रही आज की इस वीडियो की अपडेट, और मिलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।